हेलो दोस्तों, आज हम आसुस वीवो बुक फ्लिप 14 की अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसा इसका फीडबैक है। वो फीडबैक तो मैं कुछ टाइम के बाद में ही बता पाऊँगा जब जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करूँगा, बट उसको भी मैं बाद में बताऊँगा। बट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस अनबॉक्सिंग में क्या क्या मिला है। बेसिकली ये मैं बॉक्स पहले से ही खोल चुका हूँ, सो इसमें मैंने एज इट इज़ रख दिया है जिससे कि ये चीज़ पता लगे कि इसमें हमें बेसिकली क्या क्या मिला है। सो ये इसके कॉन्फ़िगरेशन है, ये शायद अगर फोकस हो पाए तो जस्ट ए सेकेंड। यस ओके, सो what we have got here basically इसमें जो 8 GB RAM है, हार्ड डिस्क 512 की SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, फिर उसके बाद में Wi-Fi 6 है और जो ब्लूटूथ है वो 5.0 का है। इसके अलावा इसमें OS मैं विंडो 10 है 64-bit, जिसमें कि इसमें एक्स्ट्रा ग्राफिक्स कार्ड भी है जो कि 4 GB है। ये कुछ इस तरीके से बॉक्स है इसका। ओके, यहाँ पे आसुस की ब्रांडिंग है, इस जगह पे बारकोड, इस जगह पर इसका एक और टैग जिसे इसके प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह हैं। ओके, सो लेट्स अनबॉक्स इट एंड देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। सो ये हमने अनबॉक्स किया यहाँ से। नाउ अब देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है। ये हमें पेन मिला है, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना प्यारा सा लैपटॉप निकालते हैं, ये इस तरीके से है। इसको आप देख सकते हैं, पैकिंग मुझे उतना सॉलिड नहीं लगा, लाइक ठीक वैसे ही था जैसे कि नॉर्मल लैपटॉप्स की पैकिंग्स होती हैं। ये आसुस वीवो का एक स्टिकर है जिसमें लिखा हुआ है आसुस वीवो वर्क फ्लिप 14, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनोमीटर प्रोसेसर कन्वर्टेबल लैपटॉप, नैनो एज डिस्प्ले, थिन एंड लाइट, अमेजिंग साउंड, अप टू 10 आवर बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि जब मैं इसको यूज़ करूँगा तभी मैं बता पाऊँगा कि इसकी बैटरी लाइफ का क्या फीडबैक है। सो इसके बाद में इसको जब हम इस अभी थोड़ी देर इसको इधर ही रखते हैं। नाउ इसके बाद में हमें यहाँ पर कॉर्ड है, पावर कॉर्ड। इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 240 वोल्ट्स का चार्जर मिला है। और 1 एम्पियर का आउटपुट है, 50 एंड 60 हर्ट्ज पर वर्क करता है। यहाँ पर आसुस की ब्रांडिंग है, स्क्वायर शेप में है, वायरिंग है, वायरिंग भी इसकी काफ़ी लेंदी लग रही है मुझे, बहुत काफ़ी लेंदी है, सफिशेंटली मोस्ट प्रॉब्ली 4 to 5 meter टोटल मिलाकर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर
ये कुछ पेपर वर्क्स हैं जिसमें कि आसूस एवरीथिंग, आसूस प्रीमियम केयर, माई आसूस सिस्टम, डायग्नोसिस 24 आवर ऑनलाइन सिस्टम, प्रीमियम सर्विस एनी टाइम एनी वेयर, ये चार्जिंग के बारे में कुछ बता रहा है। इसके बाद में ये एक लॉग बुक इसका दे रखा है जिसमें कि बताया है कि कौन से पोर्ट क्या हैं। ओके, नाउ दिस इज वन एनवलप, आई डोंट नो व्हाट इज इनसाइड इट, सो आई ओपन इट एंड लेट्स सी व्हाट इज इन इट। ओ माय गॉड, दिस इज अ स्टिकर व्हिच कुड बी प्लेस, आई डोंट नो हाउ मेनी स्टिकर्स आर देयर। ओ माय गॉड, सो दिस इज बेसिकली फुल ऑफ स्टिकर्स। फर्स्ट इज दिस वन, वेरी फंकी, एंड दिस इज वन आई थिंक फेस विच इज सिंगिंग एंड स्केटिंग। This is why not, I don't know. This is victory sign from Asus Vivo book. This is I don't know some character, which character I don't know. Okay, these are some most probably Radiant Lights sticker which could be placed on the laptop at anywhere where we wish to put on it. So keep that inside. Now come to the main part, which is our laptop. Now I'm just putting this one into one side. We'll talk about this later on this one and this one. Okay, now comes about pen. So in pen, what basically we got here, this is one stylus pen and we are having two button system here, one QR code scanner maybe containing some product detail, and this is nib. So and what is in it, other one one thing is inside. Yeah, this one, I don't know what is this. Let open. Okay, so this is pen holder basically. This is the magnetic pen holder which can be placed at the screen or top of the screen, so that we can hold our pen. Okay, so now come to the part of laptop. Okay, so this is basically the laptop where the best part is this one. Actually, this laptop cannot be opened by using one flip. Likewise, this is, so we have to
यूज सेकेंड हैंड टू होल्ड दिस अप. ओके, नाउ द बेस्ट पार्ट इज एक्चुअली आई सॉ इट इज हैविंग SSD कार्ड, SSD हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव. सो व्हाट बेसिकली हैपन कि यहाँ पर ये जो बूट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है. लाइक आई विल काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 7. ओके, विद इन 7 सेकेंड इट जस्ट बूट अप. और बूट होने के बाद में हमारा जो मेन स्क्रीन है उस पर हम आ गए. सो 7 सेकेंड में अगर हम बूट कर पा रहे हैं, आई थिंक दिस इज अल्ट्रा फास्ट. सो नाउ कम टू द क्लोज अप लुक टू द लैपटॉप. नाउ बेसिकली यहाँ पर हमें वीवो के कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, जहाँ पर आसुस वीवो बुक फ्लिप 14 HDMI 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, लाइट वेट 15 kg चेसिस, 360 आर्गो लिफ्ट हिंज, हरमन कैंडोन सर्टिफाइड ऑडियो, 42 वर्क आवर हाई कैपेसिटी बैटरी एंड अनदर वन इज मॉडर्न डिवाइस. सो ऑब्वियसली दिस इज मॉडर्न डिवाइस, दिस इज वेरी स्लीक. एंड दिस इज हैविंग वन एंटर की, दिस इज लाइटनिंग अप विद वन रेडियन आई थिंक. सो इट इज ग्लोइंग इन द नाइट ऑल्सो. ओके, एंड हियर वी हैव द प्रोसेसर राइजन 5 विद AMD Radeon ग्राफिक्स, 4GB ग्राफिक्स. नाउ हियर सम अनदर बैचिंग रिटन हेयर वर्ड्स फर्स्ट 7 nm 86 मोबाइल CPU अप टू 8 core अप टू 73 फास्टर देन द लास्ट जनरेशन CPU. दिस इज रियली फास्ट एंड अमेजिंग. एंड इट इज ऑल्सो कंटेनिंग वन फिंगर प्रिंट, टच इज वेरी नाइस. एंड ओके, सो नाउ कम टू द अनदर पार्ट. दिस द ब्यूटी ऑफ दिस लैपटॉप इज दिस इज द टच स्क्रीन. सो इट कुड बी प्लेस दैट 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड वन ऑफ माई फेवरेट 360 डिग्री. इन 360 डिग्री इट इज कन्वर्टेड इन टू द टैबलेट. एंड दिस इज नाउ द बेसिकली 2-in-1 कन्वर्टेबल लैपटॉप. ओके, सो अगर हम देखें इसकी स्लीकनेस से, यहां पर इसमें मैट फिनिश दी गई है और काफी स्मूथ है, अच्छी भी लग रही है. मैट फिनिश के साथ में क्वालिटी काफी हाई है. और अगर हम बात करें स्लिकनेस की, यू कैन सी माय फिंगर विद इज ऑलमोस्ट कवर्ड विद द लैपटॉप विद. ओके, नाउ यहाँ पर जो हिंज मुझे थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कुछ मेटल यूज़ किया गया है एंड विच इज़ गिव्स ए वेरी गुड सोज डिज़ाइन. नाउ यहाँ पर स्पीकर दिए गए हैं, ये जेन्युइन विंडो है. यहाँ पर फैन क्लब,
मोस्टली इस जगह पे भी फ़ैन है, यहाँ पे फ़ैन पेयरिंग है, यहाँ पर यूएसबी वन यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, इसके अलावा फ्रंट में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नाउ कम टू द अनदर साइड विच कैन बी सीन डायरेक्टली एंड वन माइक पोर्ट साउंड और हेडफोन पोर्ट HDMI, देन USB 3, दिस इज़ टाइप सी एंड सॉरी दिस वन इज़ चार्जर एंड दिस वन इज़ हेडफोन, दिस इज़ माइक्रो SD कार्ड रीडर एंड दिस इज़ द पावर बटन। ओके सो नाउ अब इसके कुछ पार्ट पे आते हैं। बेसिकली अभी इस लैपटॉप में कुछ भी नहीं है क्योंकि ये मैं जस्ट लेकर आया हूँ और लेकर आने के बाद में ही इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ओके अबाउट दिस मैग्नेट होल्डर, आई एम जस्ट inserting this pen into it and after that it could be placed like this, sorry this side and likewise this. Okay so this is a best thing, I think good, we can place at anywhere, likewise this wherever we want. Or actually इससे थोड़ा ये भी सेव होता है कि हमारा पेन कहीं इधर उधर ना जाए क्योंकि ये पेन काफ़ी अच्छा है। ओके सो नाउ अब बात करते हैं इसके टच पैनल की, सो विच इज़ बेसिकली अ गुड पार्ट एंड अभी इसका साउंड मैंने अभी चेक नहीं किया है। ओके यह अभी लेकर आया हूँ सो साउंड अभी हम चेक करेंगे और इसके बाद में इसका टच भी चेक करेंगे। सो